दोस्तों बात करने वाले आरवीएल स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, आरवीएल में अगेन फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम देखोगे तो रेलवे के सभी स्टॉक आज पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज हुए हैं। देखोगे कि टाइम तेजी क्यों आ रही है। सबसे बड़ी चीज, आपको हर एक लेवल पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मौका हमने बताया था, अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई मौका है, क्योंकि अपने हायर लेवल से अगर देखोगे तो स्टॉक अभी भी दोस्तों आपको कम से कम 20 एंड 25% के बीच डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर इस लेवल पे आप बाई कर लेते हो तो भी आप जो आपकी बाइंग है ना वो अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो जो मार्केट ना उसका बहुत सारा खतरा टल चुका है। अभी के टाइम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखोगे तो मार्केट की क्लोजिंग हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, एंड कोई ज्यादा बड़ी नेगेटिव अपडेट मार्केट के लिए नहीं है। तो चांस यही है कि इलेक्शन से पहले एक बार मार्केट बढ़िया तेजी यहाँ पे दिखा दे, एंड जो आपके यहाँ पे खासकर रेलवे वाले स्टॉक है ये फिर से अपने कुछ हद तक रिकवरी कर ले। यहाँ पे चांस दोस्तों, मैंने आपको हर एक वीडियो में एक चीज बताई है, स्टॉक की ऑर्डर बुक मैंने समझाई है, एंड यहाँ से जो कंपनी का आगे का प्लान है वो मैंने समझाया है, एंड आने वाले 2000, देखो जो टोटली जो साल चल रहा है अभी के टाइम 2024, ठीक है ना, इसमें कितना टारगेट ये दिखा सकता है, कहाँ तक के टारगेट इसके बन सकते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। अगर देखा जाए दोस्तों, हमें उसी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है जिस सेगमेंट में यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। गवर्नमेंट जिस सेगमेंट में फोकस करेगी उस सेगमेंट का जो यहाँ पे विकास है वो निश्चित है। अगर सेगमेंट का विकास होता है तो उसके टॉप लेवल के स्टॉक भी आगे बढ़ेंगे, उनमें भी दोस्तों उसके भी प्राइस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। खासकर आपके आरवीएनएल, आईएफएससी, इरेडा दोस्तों ये अच्छे स्टॉक है, इनकी लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ है। मोदी सरकार के टाइम में अगर आप देखेंगे ना तो सारी चीजें अलग रख दो आप, एंड गवर्नमेंट वाले स्टॉक पर फोकस कर लो, क्योंकि यहाँ पे टोटली गवर्नमेंट का ही काम यहाँ पे रहेगा। अभी के टाइम देखा जाए तो आपका जो आरविनल, आरविनल दोस्तों बॉटम पे ट्रेड करा, स्टॉक का बॉटम बन चुका है, अब करेक्शन की उम्मीद नहीं है, अब तो ऊपर जाएगा। देखो एक टाइम ऐसा था कि धीरे 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 नीचे गया, ठीक है ना, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बॉटम बना, एंड बॉटम के बाद अब धीरे धीरे स्टॉक अगेन ऊपर जा रहा है। अब जैसे नीचे आया था वैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट ये नहीं करा कि नया हाई बनेगा, ये है कि वैल्यूएशन पे जाके रुक जाएगा। जैसे कि स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ तक है अराउंड 260-270 की है, जो भी है वहां पे जाके रुकेगा, वहां से कंसोलिडेट करेगा। एंड जो ये गिरावट हुई है ये एक पैनिक गिरावट थी, मार्केट की गिरावट थी, यही आपके लिए सबसे बड़ा फायदा था इन्वेस्टमेंट का। जिन लोगों ने कर लिया सबसे प्लस पॉइंट में वो रहे हैं, जो लोग नहीं करे उनको यहाँ पे महंगा खरीदना पड़ेगा। मेन चीज अगर अभी के टाइम बता दूं, वॉल्यूम स्टॉक के बिल्कुल डाउन है, अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास शेयर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले। तो जब जब बाउंस आएगा ना दोस्तों, जब ये वॉल्यूम देखना 6-7 करोड़ से कम वॉल्यूम नहीं दिखेगी, एंड जब इतनी वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगी तो स्टॉक का एक अच्छा जो रिवर्सल है वो भी हमें दिख जाएगा। एमओबी के टाइम देखा जाए 22,000 के साथ हमें यहाँ पे जो नेगेटिव सेल ऑर्डर है वो देखने को मिल रहा है, एंड मेन चीज यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक आज का इंट्रा डे हाई है वो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, 253 के आसपास के इंट्रा डे आज देखने को मिले हैं, एंड जो इंट्रा डे चार्ट है स्टॉक का वो एक बार फोकस करो यहाँ पे। देखो देखो अभी के टाइम देखा जाए तो अब इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। स्टॉक की जो सबसे बड़ी डिलीवरी परसेंटेज है वो एक बार देख लो यहाँ पे, अराउंड 27% माल यहाँ पे खरीदा गया है, तो भाई डाटा अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग खरीद के बैठे हैं एवरेज कर लो, एवरेज का ये बेस्ट मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि बॉटम तो स्टॉक बना चुका है, धीरे धीरे रिवर्सल करेगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे एवरेज दो चीजों का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, सेल करने की गलती ना करें, क्योंकि वैल्यूएशन स्टॉक की ठीक ठाक है, एंड जो स्टॉक का पीई है वो कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, अराउंड 37 के पी पे भी के टाइम में मिल रहा है, एंड यहाँ से आने वाले क्वार्टर रिजल्ट जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी तो ये पी फिर से यहाँ पे हमें गिरता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, पी गिरेगा, एंड फिर से स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि पी गिरा है तो वैल्यूएशन पे तो जाएगा। तो ये चीज आप समझ लो, अभी के टाइम पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर देखो मार्केट में होता है सबका व्यू अलग रहता है, मैं अलग चीज बता रहा हूँ बट कोई और अलग चीज बता रहा है, बट अपने को किसकी सुनना है, अपने को स्टॉक के अकॉर्डिंग जो डाटा बता रहा है ना उसकी सुनना है, डाटा क्या कह रहा है अपने को, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कंपनी, क्योंकि देखो एक चीज कोई भी झूठ बोल सकता है कि अच्छा है बुरा है, बट कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो विश्वास हमें फाइनेंशियल डाटा के पर, मतलब जो डाटा है उस पर करना है, ठीक है। मेन चीज अभी के टाइम जो पीएसयू वाले स्टॉक है, देखो आज के ये इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे टोटली आईटी सेगमेंट के अंदर प्रेशर था, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, इसी के साथ अदर सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। जो पीएसयू, पीएसयू के अंदर भी यहाँ पे अच्छा बाउंस था, एंड मेन चीज यहाँ पे जो आपके जो यहाँ पे वे आईएफएससी वगैरह थे तो इनमें भी आप देख सकते हो एक अच्छा जो बाउंस है वो हमें देखने को मिला है। इरकॉन का भी डाटा यहाँ पे बता देता हूँ मैं, इरकॉन में भी आज देख सकते हो 1.5% की रैली थी, अगेन वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका यहाँ पे बन रहा है। एंड जो आरबीएनएल है, आरबीएनएल में 2% का बाउंस है, देखो आरबीएनएल रिकवर करेगा। आपने मैंने पहले ही बता दिया कि देखो ये स्टॉक गिर रहे हैं, इनका मौका, ये मार्केट की वजह से गिर रहे हैं, एंड इनमें तो यही कि भाई देखो एक प्रेशर आता है, जब स्टॉक लगातार भागता है
तो जब से एक बार अगर ऊपर से सेलिंग आ गई तो फिर तो भाई वो नहीं रुकेगा। सबको देखो सेलिंग का मतलब क्या होता है, सबको निकलना है, ठीक है ना, सबको निकलना था। जब यहाँ से गिरा था एक भी बंदा ऐसा नहीं था यहाँ पे खरीदने वाला कि भाई मेरे को रुकना है, यहाँ पे खरीदने वाले भी निकल रहे थे एंड जो लोग यहाँ पे खरीदे थे प्रॉफिट में थे वो भी निकल रहे थे। जैसा कि चार्ट के अकॉर्डिंग समझा दूं मैं, तो चार्ट में आप समझो एक बार यहाँ पे दोस्तों कि समझो, ठीक है ना, जो लोग यहाँ पे खरीदे थे उनको भी निकलना था, जो लोग यहाँ पे खरीदे उनको भी निकलना था। बच कौन रहा था, जिसको वैल्यूएशन पता है वो खरीद के वो बेटा था, उसको पता है यहाँ पे भी खरीदा एवरेज में कर लूंगा, यहाँ पे भी खरीदा है चलो तो और खरीद लूंगा मैं, ऐसे मानसिकता रखोगे आप अच्छे स्टॉक में तो एक अच्छा अमाउंट कमाओगे। तो अभी के टाइम में यही कहना चाहता हूँ कि देखो गिरावट तो हुई है बट रिकवरी भी स्टॉक की होगी एंड चार्ट पैटर्न अभी के टाइम कंसोलिडेट वाला है तो वेट करें। एंड ट्रेंड जो स्टॉक का है, जो मेन ट्रेंड है वो ये, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं ट्रेंड लाइन बना के बता रखा हूँ, मैं ये देख लो यहाँ पे, ये तो इसको जैसे ही ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड स्टॉक फिर से बदल जाएगा। तो वेट करो, जल्दबाजी मत करो, और लास्ट अपना जो टाइम है यहाँ पे कंसोलिडेट का वो रहेगा क्वार्टर पर, आने वाले 2-3 महीने, उसके बाद इजीली यहाँ पे देखो इतना टाइम तो नहीं लेगा बट लास्ट आप मान के चलो कि इलेक्शन, ठीक है ना, इलेक्शन के बाद से रिवर्सल देगा, बड़ा रिवर्सल, और यहाँ पे 400 के टारगेट वो भी हिट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन करो।